पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महबूब अली जी, मेरे दोस्त जिनको 6 महीने जेल में रहा तो एक ही बात याद करता था कि किस तरह से संसद के अंदर देश की सर्वोच्च पंचायत में हमारे दोस्त दानिश अली को गाली देने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। और मैंने तय किया था जिस दिन बाहर आऊंगा उस गाली का बदला लेने के लिए आऊंगा। और आज से अंत कहने के लिए आया हूं, अगर इस गाली का जवाब अमरोहा की जनता नहीं दे सकती तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही जारी रहेगी। अगर मोदी की तानाशाही को खत्म करना चाहते हो तो अमरोहा की सीट सबसे बड़ी सीट है। आपके सांसद को संसद का गाली दिया गया, उसका जवाब चीजें करके उसका जवाब करना है। कैसे हिम्मत हो सकती है देश की सबसे बड़ी पंचायत में लाखों लोगों ने चुन के भेजा, हमारे छोटे भाई दानी सभी को चुन के भेजा, आप उसको गाली देंगे? इसलिए कि आप भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए कि आप मोदी जी की पार्टी है, इसलिए कि आप मोदी जी की पार्टी के सांसद है। सुबह 6 बजे इनका फोन आया था, मुझे रात में पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ था। पहला सबसे पहला बयान दानिश अली के समर्थन में संजय सिंह का आया था और मैं रात में 12 बजे इनके घर पर पहुंचा था। हमारे बीच में पूर्व सांसद अदीब अलवर साहब बैठे हुए, इतनी उम्र में आपको जगाने के लिए आए हैं। अरे अब तो हम लोगों को शर्म आनी चाहिए जब घर के बुजुर्ग निकल पड़े, माताएं बहने निकल पड़े, जब घर के युवा निकल पड़े, तब तो मोदी जी की तानाशाही का अंत बिल्कुल तय है, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। हमारे विधायक आर के समरपाल जी हैदर हमसे बहुत फोन करते थे, हमारे युवा शाखा के पंकज जवाना जी रोज कहते थे लोग आपको कब पहुंचना है। मैंने कहा जब पहुंचूंगा एक गारंटी मोदी जी की तरह नहीं, सही सही की गारंटी आप लोगों से लेने आया हूं। मोदी वाले तो फर्जी गारंटी है, फर्जी गारंटी, उसके चक्कर में मत पड़ना, उसकी गारंटी की असलियत अभी बताऊंगा। आपसे एक ही गारंटी लेने के लिए आया हूं, 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करा के बीजेपी की गाली का जवाब अपने वोट की ताकत से देगा। गाली का जवाब वोट की ताकत से दोगे कि नहीं दोगे, हाथ उठाकर बताओ, दोगे कि नहीं दोगे? इसके बाद ये मत देखना कि कौन सा नेता आपके बीच में आया, कौन सा नेता नहीं आया। दानिश भाई कह रहे थे मोदी जी इतनी बार आए, योगी जी इतनी बार आए, बहन जी इतनी बार आई। अरे कोई कितने बार भी आए, अमरोहा का आपका बेटा दानिश अली आपके बीच का है। जो आते हैं प्रचार करने के लिए उनको सुनिए और उनको कहिए अब की आपकी विदाई तय है, यहां से वापस जाओ, हम लोग दानिश अली को जिताएंगे। आज क्या हालत बना रखी है इस मुल्क की? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। मैंने कहा मोदी जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इस बात की गारंटी है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको बीजेपी में शामिल करूंगा, इस बात की गारंटी है। अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, बीजेपी में शामिल कर लिया। छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। राघवेंद्र रावत पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। हसन मुश्रीफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। जनार्दन रेड्डी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। मुकुल नाथ पर भ्रष्टाचार का आरोप,
शामिल कर लिया, शुभेंदु अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया बीजेपी के साथ शामिल कर लिया, हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया बीजेपी के साथ शामिल कर लिया। जितने भ्रष्टाचारी पूरे हिंदुस्तान में है सबको चुन चुन के नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। बीजेपी का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये बीजेपी का नारा। इसलिए बीजेपी वाले जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा, डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा। अरे हमारा छोटा भाई अदानी सभी संसद के अंदर इनके भाषणों पर सुनना, और आज क्यों इनको बसपा छोड़नी पड़ी? बसपा इन्होंने नहीं छोड़ी बल्कि मायावती की गुलामी इन्होंने मंजूर नहीं किया। इन्होंने कहा अदानी सभी है, हमको हमारी क्षेत्र की जनता ने भेजा है उनकी आवाज उठाने के लिए, हमको हमारे क्षेत्र की जनता ने भेजा है हक की बात करने के लिए। बताओ हम के साथ खड़े रहोगे कि नहीं खड़े रहोगे, बताओ। इसलिए साथियों दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आज से निवेदन और विनती करना चाहता हूं, दानिश अली जब आपकी आवाज का मामला आया तो उन्होंने बहन जी से साफ साफ कह दिया, बहन जी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई डील करना चाहते हैं कर लें, मैं अपने क्षेत्र की जनता को धोखा नहीं दूंगा और इसलिए आपके साथ खड़े। और हाथी वाला में चक्कर में गलती से मत पड़ जाना, हाथी ज्यादा खाती है। इन्होंने कहा भाई हमसे अब आपके हम आपके पास सोच के आए थे, क्या दलितों की वंचितों की शोषितों की अल्पसंख्यकों की आवाज उठाएंगे, इसलिए हम सांसद बने थे, लेकिन आप बीजेपी के साथ मिल जाएंगे इसलिए हम आपके साथ नहीं आए थे। इन्होंने फैसला लिया, बहुत अच्छा किया। और आज किस तरह का जुर्म पूरे हिंदुस्तान में हो रहा, कांग्रेस पार्टी का खाता सीज कर देते हैं नरेंद्र मोदी जी। एक आदिवासी मुख्यमंत्री है झारखंड के अंदर जिनका नाम है हेमंत सोरेन, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री तीन बार के चुने हुए मुख्यमंत्री उनको पकड़ के नरेंद्र मोदी जी जेल में डाल देते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देते हैं, सत्येन जैन को जेल में डाल देते हैं, अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस भेजते हैं, संजय सिंह को पकड़ के 6 महीने तक जेल में डाला। मैं कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी 6 महीने नहीं 6 साल जेल में डालो, तुम्हारे आगे न झुकेंगे न रुकेंगे, तुमसे लड़ते रहे हैं तुमसे लड़ते रहे। मोदी जी की एक ही गारंटी है, कौन सी गारंटी है, क्या गारंटी है मोदी जी की? नरेंद्र मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। कौन सी गारंटी है? झूठ बोलने की गारंटी। कहने लगे 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, नौजवान ने वोट दे दिया। कहने लगे किसान की आय 2 गुना करेंगे, किसानों ने वोट दे दिया। कहने लगे महंगाई कम करेंगे, देश की जनता ने वोट दे दिया। कहने लगे काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा करेंगे, जोर से बोलिए। सबको याद है कोई भूला नहीं है, बहुत लड़ाई लड़े दानिश अली जी, काला धन नहीं ला पाए। मोदी जी ने कहा दानिश भाई अब काला धन नहीं ला पाएंगे, क्यों नहीं ला पाएंगे? आज कह रहे हैं ये संपत्ति उसके नाम हो जाएगी, वो संपत्ति उसके नाम हो जाएगी। अरे किसको मूर्ख बना रहे हैं मोदी जी? आपने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्त के नाम कर दिया, एक ही अदानी के नाम कोयला कर दिया, गैस कर दिया, बिजली कर दिया, पानी कर दिया, सड़क कर दिया, स्टील कर दिया, सेल कर दिया, रेल कर दिया, पूरा हिंदुस्तान अदानी के नाम कर दिया। हम इंडिया के लिए काम करेंगे, मोदी अदानी के लिए काम करेंगे, याद रखना। और बिल्कुल ठीक कहा महबूब अली जी ने, बिल्कुल ठीक कहा राजीव भाई ने, यह चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, याद रखना। राहुल गांधी जी ने कहा
अखिलेश यादव जी ने कहा 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। मैं संजय सिंह आपसे हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं, ये तो नीली स्याही आपके हाथों में लगती है, ये जो अपनी वोट की ताकत से आप विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, ये वोट की ताकत आपसे छीनी जा रही है। अगर मोदी जी जीत गए तो देश के अंदर चुनाव खत्म होगा, देश का संविधान खत्म होगा, देश में आरक्षण की व्यवस्था खत्म होगी, क्योंकि पूरे देश के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलता है, लेकिन भाजपा के लिए आरएसएस का भागवत का संविधान चलता है। भागवत के संविधान को मानते हैं लोग, और भागवत का संविधान कहता है आरक्षण खत्म करो, आरक्षण खत्म करो, चुनाव खत्म करो। और मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं, सूरत में चुनाव खत्म हो गया, बिना चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया, बिना चुनाव के बीजेपी वाला बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, बिना चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया। अरे बिना चुनाव के बीजेपी वाला जीत गया, सूरत अभी झांकी है, पूरा देश बाकी है, पूरे देश में ये बेईमान चुनाव खत्म करेंगे। इससे पहले कि ये चुनाव खत्म करें, इनकी राजनीति को पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर देना, ये कहने के लिए आया। कहते 400 पार, ये भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय झूठा पार्टी, इनके चक्कर में मत बनना। गए बंगाल, कहने लगे 200 पार, आई सतत्ता थी। गए झारखंड, कहने लगे 65 पार, आई 23। गए दिल्ली, कहने लगे 45 पार, आई 8 सीट। गए हरियाणा, कहने लगे 75 पार, आई 40 सीट। गए महाराष्ट्र, कहने लगे 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक, कहने लगे 130 पार, आई 60 सीट। गए मिजोरम, कहने लगे 21 पार, आई 1 सीट। अब कहने 400 पार, जनता कहे तरी पार, तरी पार। दानिश भाई के चुनाव निशान हाथ के पंजे पे बटन दबाना, इतनी बटन दबाना कि जो पी की आवाज निकलती है बाकी प्रत्याशियों की चीख हो जाए, इतना हाथ करोगे कि नहीं करोगे बताओ, करोगे ना? तैयार हो ना, सब लोग तैयार हो ना। ये पार्टियां तोड़ रहे, 12,000 खात्रे की शिवसेना की पीर का मान चोरी कर ली, बोल सड़क पवार की घड़ी चोरी कर ली। आपके यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद है, जयंत चौधरी उनका हैंड पाइप चुरा लिया। जो लोग हैंडपंप चुरा रहे हैं, इनको चुनाव में पानी पिलाने का काम आपको करना है। करोगे कि नहीं करोगे? करने के लिए तैयार हो सारे लोग? और इनके नफरत की राजनीति के चक्कर में मत फंसना। बफरा गए मोदी जी पहले चुनाव के बाद, पहले चरण के बाद आओ बफरा शुरू कर दिए, बफरा शुरू कर दिए ना, उसके चक्कर में मत फंसना। कोई नहीं फंसना, हमको नरेंद्र मोदी जी से 10 साल का हिसाब चाहिए, अपने बेरोजगारी का हिसाब, अपने महंगाई का हिसाब। मुल्क में 15,00,000 करोड़ रुपए पूंजीपति दोस्तों का क्यों माफ किया, इसका हिसाब चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का हिसाब चाहिए, हमारी पहलवान बेटियों के लिए हिसाब चाहिए। हमको हिसाब चाहिए नरेंद्र मोदी जी से कि आप देश के संसाधन, देश के बैंकों में जमा पैसा, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा नीरव मोदी को लुटा रहे हैं, ललित मोदी को लुटा रहे हैं, मेहुल चौकसी को लुटा रहे हैं, पीएम माल्या को लुटा रहे हैं, नितिन संदेशा को लुटा रहे हैं। आपकी बैंकों पर लूट हो रही है, आपके संसाधनों पर लूट हो रही है, आपके बच्चों की शिक्षा पर लूट हो रही है,
लूटने वाले लोग हैं, ये मुल्क को बर्बाद करने वाले लोग हैं। जो लोग इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं उनसे चुनाव में हिसाब मांगना, किसी भी गलत मुद्दे से मत फंसना। ये हिंदुस्तान अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों का देश है। मैं जिस हिंदू धर्म को मानता हूँ उस हिंदू धर्म में रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे, ये हमारे रामचरितमानस की चौपाई कहती है। हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जो धर्म पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, हम अपनी पूजा खत्म करते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अरे जो धर्म पूरे विश्व के कल्याण की कामना करता है वो धर्म किसी के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकता। ये नफरत फैलाने वाले लोग कौन है, इनसे सावधान रहना। परिवे में मरी ममीरे का सुरमा मिलता है, रस में क्या लिखा रहता है, नकारों से नकारों से, देखा ना ममीरे का सुरमा ऊपर लिखा रहता है, तो नकारों से क्या लेना है आपको, क्या लेना है, सावधान रहना है नकारों से। एक मिनट का और समय बार बार घड़ी पर दिला और साथियों और दोस्तों बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो आपने जेल में डाल दिया, उनको आप इंसुलिन भी नहीं दे रहे हैं। जो मुख्यमंत्री लोगों की दवाओं का इंतजाम करता है उसको आप दवा भी नहीं नसीब होने दे रहे हैं। उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लेकिन खुद भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। कंपनियों से पैसा लिया गया, हजारों करोड़ रुपए चंदे के नाम पे, रिश्वत के नाम पे लिया गया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया और 3.8 लाख करोड़ रुपए का ठेका अलग अलग कंपनियों को दिया भाजपा की सरकार ने। यह हकीकत है, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे एक शराब कंपनी से दिल्ली के अंदर 60 करोड़ रुपए का चंदा इन लोगों ने किया, इन लोगों ने लिया। और अंत में एक बात आपको बता दूं, भाजपाइयों के लिए कहना चाहता हूँ, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल दो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल को मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल को मुरझाने लगे इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आपने ठीक याद दिलाया। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लेना सुप्रीम कोर्ट में बंद करा दिया। मेरठ में भाजपा के जुलूस में एक व्यापारी गया था, उसकी जेब काट ली 36,000 रुपए में निकला, ये क्या बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा बंद तो लोगों की जेब काटो, इसीलिए मैं कहता हूँ इनको भारतीय जनता पार्टी, इनसे सावधान रहना, इनसे होशियार रहना। 26 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो एक बात जो मोदी जी ने आपसे कही थी वो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, मोदी जी की उस बात को याद कर लेना। मोदी जी ने कहा था भाइयों और बहनों वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना, तब सिलेंडर था 400 रुपए का, अब हो गया 1100 रुपए का। अमरोहा के लोगों जब अपना वोट देने के लिए जाना तो घर का सिलेंडर देख के जाना, बच्चे का चेहरा देख के जाना, मोटरसाइकिल देख के जाना, जिसमें 120 रुपए लीटर के पेट्रोल देते हो, 100 रुपए का डीजल भरवाते हो, वो डीजल का ट्यूबवेल भी देख के जाना, वो देख के जाना सरसों के तेल का डिब्बा जिसमें 250 रुपए लीटर तुमने सरसों का तेल भरवाया। और जब ये सब कुछ याद रहेगा तो इंडिया गठबंधन याद रहेगा, इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को बन रही है, ये याद रहेगी। आपका भाई, आपका बेटा गाड़ी सभी याद रहेगा, इसका चुनाव निशान हाथ का पंजा याद रहेगा और यहाँ से इनको जिताना है ये याद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।